यार बच्चों गुड मॉर्निंग। कल तक हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो सेकंड चैप्टर है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यहां पर अपन जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है उनकी स्ट्रक्चर एंड उनके डेवलपमेंट की बात करें। कल जैसे मैंने बताया था जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है, एंड्रोजी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या था, गायनोसी। एंड्रोजियन की जो यूनिट है उसको अपन ने कहा था स्टेमेन, क्या कहा था, स्टेमेन। और गायनोसियन की जो अपने यूनिट बताई थी वो कौन सी थी, कौन सी थी, कार। और जो ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो इसकी यूनिट है स्टेमन, इसके भी अपने अलग अलग पार्ट की बात की थी। जैसे अपन कहें ये है अपना कौन सा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन। इसके कौन कौन से पार्ट है, डिफरेंशिएट इनटू कौन कौन से पार्ट है, जो ये आपको ये थिन एंड लॉन्ग रीजन जो दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या कहा है, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये नीचे से जो इसका अंडर रीजन है वो ज्वाइन होता है फ्लावर के थैलेमस से, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो जॉइंट होगा एंकर से। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर एंड इट जॉइंट्स स्टेमन टू थैलेमस, जो इसके नीचे वाला एंड सिरा है वो थैलेमस से जॉइंट होगा और ऊपर से ये एंकर से जॉइंट होगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपन कहा है एंथर, और ये जो एंथर है ये जो फिलामेंट का फ्री एंड है उससे जॉइंट है ये, और इसी के अंदर एंथर के अंदर ही जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट कौन सा होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर ही होता है। तो देखिए एंथर एट फ्री एंड ऑफ फिलामेंट स्वेलन माइक्रोस्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एंथर। जो ये आपको ऊपर की तरफ फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है स्वेलन पार्ट जो है उसी को बनता है एंथर का। इसके बाद इसमें एक बीच के अंदर एक टिश्यू होता है उसको अपन कहा है कनेक्टिव, थर्ड पार्ट हो गया इसका ये कनेक्टिव पार्ट। ये कनेक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, ये एंथर होता है बाई लोब। कैसा होता है ये, बाई लोब जो आपको दिखाई दे रहा है ये लोब हो गया और एक दूसरा वाला लोब ये बाई लोब। एंथर को बीच से कनेक्ट करने वाला जो ये रीजन है इस रीजन को अपन बोलते हैं कनेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिव। और ये एक स्टेराइल रीजन है और इसका कनेक्शन होता है इस फिलामेंट से, और फिलामेंट है और कनेक्टिव का कनेक्शन होगा वास्कुलर टिश्यू से, किससे होगा, वास्कुलर टिश्यू से इसका कनेक्शन होगा। तो देखते हैं कनेक्टिव is a sterile tissue is present between two lobes, present between two lobes called connective. It is an extension filament
कंटेनिंग वास्कुलर टिश्यू, अभी अपन कहा था इसे इसमें क्या होता है वास्कुलर टिश्यू होता है। तो ये बात इसकी हो गई। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एंथर की स्ट्रक्चर होगी जिसमें तीन पार्ट है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर पार्ट। अब इसकी स्ट्रक्चर में अगर बात करें एंथर की, ये बाइलोब एंथर क्या होता है, व्हाट इज बाइलोब एंथर, ये डायग्राम दे रखा है टीएस ऑफ बाइलोब एंथर, ये दो लोब बताते हैं, फर्स्ट लोब ये वाला और सेकंड लोब इधर की तरफ। तो कितने लोब हो गए इसके अंदर, टू लोब्स आर प्रेजेंट इन एंथर। नॉर्मली एंजियोस्पर्म के अंदर ज्यादातर जो लोब होता है वो बाइलोब एंथर होगा, कुछ एक प्लांट की स्पीसीज के अंदर यूनिलोब्ड एंथर प्रेजेंट है, एग्जांपल मालवेसी फैमिली, उसके अंदर केवल एक ही लोब प्रेजेंट होगा, लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट स्पीसीज के अंदर जो एंथर होगा वो होगा बाइलोब। और इस बाइलोब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इधर की तरफ भी टू माइक्रोस्पोरेंजिया, इधर की तरफ भी टू माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल कितने हो गए, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन बाइलोब एंथर। इस माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सेक भी बोलते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर का। और ये माइक्रोस्पोर होते हैं हैप्लोइड, और इन्हीं माइक्रोस्पोर को अपन कहते हैं यहां पर मेल गैमेट, क्या कहेंगे, मेल गैमेट बोलते हैं। तो देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर जो ये बाइलोब एंथर है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म की जो स्पीसीज है उसके अंदर इसी तरह का एंथर प्रेजेंट होगा। ईच एंथर हैज टू लोब्स, वन लोब इज एंड अनदर लोब इज, ईच लोब हैविंग टू थीका प्रेजेंट, इसी को अपन कह रहे हैं डाइथीसियस एंथर। टू थीका मीनिंग इसमें ईच लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेल प्रेजेंट है। ईच थीका हैज मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इसी के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आर प्रेजेंट, ये सभी के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। विच डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, और अपन कहा है कि बाद में ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किसका डेवलपमेंट करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करेंगे या पोलन सेल का डेवलपमेंट करेंगे। A typical bilobed anther has four microsporangia. अपने कहा कि each lobe के अंदर two microsporangia present है, तो anther के अंदर total कितने microsporangia होंगे? Four microsporangia are present. So it is called tetrasporangia condition के English. और इसी के अंदर अपने कहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा और उससे फोर
माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में पॉलन ग्रेन आर फॉर्म इनसाइड पॉलन सेक थ्रू मियोटिक डिवीजन ऑफ पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल कैसी है, डिप्लोइड सेल होती है और इसी के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और इसी से किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन। और कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। कुछ एक प्लांट स्पीसीज के अंदर अपने कहा था कि केवल एक लोब प्रेजेंट होता है, एंथर टाइप एक लोब होगा, यूनिलोब्ड एंथर। और ये किस में प्रेजेंट होता है, अभी बात की थी अपने मालवेसी फैमिली, फाउंड इन मालवेसी फैमिली, एंथर हैविंग सिंगल लोब एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 माइक्रोस्पोरेज। तो एक लोब प्रेजेंट है, इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। ये देखिए डायग्राम इसका, ये रहा यूनिलोब एंथर। इस एंथर की जो सेल है वो कैसी होती है, किडनी या बीन सेल की होती है ये, और ईच लोब आर प्रेजेंट 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये इसको अपन क्या है, क्या बोला है, पोलन सेल का है। और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लोइड, कैसे होंगे ये, हैप्लोइड होंगे। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई आपके एंथर की, एंथर के स्ट्रक्चर में अगर मैं स्टेपल की बात करें तो फिलहाल में कनेक्टिव एंड एंथर स्ट्रक्चर। अब अपन बात करें कि ये एंथर का डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, तो अगला पॉइंट हो गया आपके, हेडिंग लगा लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर के अंदर जब एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय इसके अंदर बाहर वाली जो आपको बॉल दिखाई दे रही है, ये मल्टी सेलुलर बॉल है एंड एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। इस बॉल को अपनी आप कहेंगे एपिडर्मिस। और इसके अंदर मास ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट, इस मास ऑफ टिश्यू ये होती है सेल, मेरिस्मेटिक सेल। कौन सी सेल होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड देम, मेरिस्मेटिक सेल। ये कैसी होती है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, सेल्स होती है, यानी डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएटेड का मीनिंग है कि भाई वो किसी डिफाइन ऑर्गन टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यहां पर किसी तरह का कन्वर्जन नहीं होता है, ये केवल एक मेरिस्मेटिक सेल का ग्रुप होता है, इन्हीं को अपन बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स।
बाहर वाली सबसे बाहर का एपिडर्मिस और अंदर की कौन सी होगी मेसोफिटिक सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके बाद में covered
विद एपिडर्मिस। फिर आपने कहा था ये जो एपिडर्मिस है इसके नीचे वाली लेयर है यहां पे उसे को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। सब हाइपोडर्मल सेल्स आर एनलार्ज्ड विद अदर सेल्स। हाइपोडर्मिस में से कोई एक सेल है बाकी सेल से क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी एनलार्ज हो जाएगी। कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड क्लियर न्यूक्लियस सीन। यहां पर एक न्यूक्लियस सीन होगा और इसी सेल को अपन बोलते हैं पार्टिस्पोरियल सेल। क्या कहेंगे इनको पार्टिस्पोरियल सेल कहेंगे इनको। ईच पार्टिस्पोरियल सेल, अब हर सेल के अंदर हर पार्टिस्पोरियल सेल के अंदर एक डिवीजन होगा, ये होगी आपके एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल हो गई ये। और इसमें अपन कहा है ईच आर्टिस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा कौन सा पेरिप्लाइनल डिवीजन होगा और उससे दो सेल का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी पेरिटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इसका डिवीजन हुआ एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे। बाकी सेल तो आपके प्रेजेंट नहीं है कोई। बाकी नॉर्मल सेल को ऐसे ही आप लगा दो। ऊपर वाले जो अपर सेल है इसको अपन बोल दिया है प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे वाले जो सेल है इसको अपन बोला है यहां पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का है। ऊपर वाली प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे वाली के लिए हमने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इनके बाद में जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है प्राइमरी पैराइटल सेल इनके अंदर पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, काफी सारे लगातार डिवीजन करेंगे और इससे किसका फॉर्मेशन होगा पोलन से वॉल का फॉर्मेशन होगा। पोलन से एक बॉल, ये जो पोलन से की यहां पर जो बॉल है ये बाहर वाले तो कौन से होंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होंगे ये। तो यहां पर एपिडर्मिस का तो फॉर्मेशन होगा नहीं पहले से हो रहा है, तो इसके अंदर की तरफ जो बॉल होगी इसे हम कहेंगे कौन कौन सी बॉल होगी एंडोथीसियम। इसके बाद में मिडल लेयर और थर्ड इसमें टेपिटम, टेपिटम का फॉर्मेशन होगा। यहां पर मिडल लेयर हो जाएगी फिर यहां पर हो जाएगी टेपिटम। तो पोलन से बॉल कौन कौन है एंडोथीसियम मिडल लेयर एंड
टेपिटम का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इनके अंदर भी माइटोटिक डिवीजन होगा, और यहां पर ये स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोरोजिनस सेल बाद में कन्वर्ट या डिफरेंशिएट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसका फॉर्मेशन करेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है डिप्लोइड। यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा और ये सेल कैसी होगी? डिप्लोइड सेल होगी। और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा और इन मियोटिक डिवीजन से फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कितने? फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये माइक्रोस्पोर किस फॉर्म के अंदर होंगे? ट्रेटार्टियल फॉर्म के अंदर होंगे। टेट्रा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो चार टेट्रा माइक्रोस्पोर है ये आपस में जॉइंट है, केलोस, केलोस से ज्वाइन होंगे और केलोस बाद में केलेस एंजाइम से डिग्रेड होंगे और ये चारों माइक्रोस्पोर वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां तक अपना था एंथर एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे। थैंक यू।